हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन देखा था। इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 3 देखने वाले हैं। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 15,000 टू मिस्टर वाई। एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड आउट किया है। यहाँ पे एक्स होगा ड्रॉवर और वाई होगा ड्रॉवी। जो गुड्स सोल्ड करता है या जो बिल निकालता है वो ड्रॉवर होता है। जिसके ऊपर बिल निकाला हुआ होता है या परचेस करता है जो गुड्स, वो ड्रॉवी होता है। अभी एक्स सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 15,000 टू मिस्टर वाई। एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड आउट किया है। फर्स्ट कंडीशन के लिए हम एंट्रीज पास कर रहे हैं। अभी एक्स वाई को गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है, एंट्री क्या पास होनी चाहिए? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 15,000। डेट है 1 जनवरी 2022। उसके बाद एंड इमिडिएटली ड्रीव अ बिल अपॉन हिम और बिल ड्रॉ किया है। एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया है। जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। और यहाँ पे जर्नल एंट्री पास होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 15,000। डेट है 1 जनवरी 2022। जब बिल ड्रॉ होता है तो ड्रॉवर के बुक में बिल्स रिसीवेबल आता है और ड्रॉवी के बुक में बिल्स पेएबल आता है। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट आएगा क्योंकि इसकी ये एसेट है, और बिल्स पेएबल को क्रेडिट आएगा, ये उसकी लायबिलिटीज है। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर। देखो अभी यहाँ पे मैच्योरिटी को बिल डिसऑनर हो रहा है। अभी यहाँ तो हमें ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे बिल निकाला था 1 जनवरी को। 1 जनवरी कितने मंथ्स के लिए था? वो 3 मंथ्स के लिए। 1 जनवरी के बाद 3 मंथ्स मतलब 1 अप्रैल, और 3 डेज ग्रेस पीरियड होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपकी डेट आएगी 4 अप्रैल 2022। अभी ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को क्या हुआ है? द बिल वॉज डिसऑनर। बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। अगर बिल डिसऑनर होता है तो ये क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉवर, मतलब बिल कैंसिल होता है। जब बिल ड्रॉ किया था तो उसकी रिवर्स एंट्री बिल कैंसिल के लिए आएगी। बाय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 15,000। वाई का क्या एंट्री पास करेगा? अगर उसने बिल ड्रॉ किया था तो एक्स टू बिल्स पेएबल। अभी इसी एंट्री को हमें रिवर्स करना है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 15,000। और एंड रुपीज 50,000 वर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल एज नोटिंग चार्जेस। और 15,000 हमें कैश देनी है, 50 रुपीज़ कैश नोटिंग चार्जेस की देनी है। वाई को हमें नोटिंग चार्जेस पे करना है 50 रुपीज़। एक्स के बुक में एंट्री पास हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू कैश 50 50। यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। एक्स के बुक में नोटिंग चार्जेस की एंट्री पास हो गई वाई अकाउंट डेबिट टू कैश 50 50। यहाँ पे क्या एंट्री आनी चाहिए? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हु इज पेएबल? एक्स टू एक्स अकाउंट 50 50। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट हो गई। अभी सेकेंड कंडीशन है व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड। अगर बिल डिस्काउंटेड के लिए जाता है बाय मिस्टर एक्स विथ हिज बैंक इमिडिएटली एट 12% PA।
बिल डिस्काउंटेड के लिए जाता है। फर्स्ट तो फर्स्ट जैन को हमारी एंट्री क्या पास हो गई थी, बिल ड्रॉ की, गुड्स सोल्ड आउट किया था बाय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वही एंट्री रिपीट होने वाली है यहाँ पे। 15,000 15,000, परचेसेस टू एक्स 15,000 15,000, ये गुड्स सोल्ड की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, बिल निकाला था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 15,000, यहाँ पे एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 15,000। अभी बिल डिस्काउंटेड के लिए दिया है एट 12% पीए, तो यहाँ पे अगर बिल डिस्काउंटेड के लिए दिया है मतलब हमें कैश रिसीव्ड होनी है बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन डिस्काउंटेड के लिए दिया है मतलब फुल अमाउंट हमें तो रिसीव नहीं होगी, तो हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अगर बिल डिस्काउंटेड के लिए दिया है तो वहाँ पे हमें BR प्रेजेंट करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल था 15,000। अभी डिस्काउंटेड के लिए दिया है मतलब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बिल था 15,000 इंटू 12% डिस्काउंट है इंटू हमने कितने मंथ्स के लिए बिल निकाला था, 3 मंथ्स के लिए बिल निकाला था, इसलिए यहाँ पे 3 मंथ्स डिस्काउंटेड 15,000 इंटू 12%, 15,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 450, 450 हमारा डिस्काउंट हो गया, अमाउंट आ रही है 14,550, 450 हमारा डिस्काउंट है। अभी डिस्काउंटेड की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, ड्रॉवी के बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री नहीं होती है। अभी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है, अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है तो पहले तो हमने बिल निकाला था उसके बाद डिस्काउंट किया था, अभी वो बिल डिसऑनर हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी हमने प्रेजेंट किया था तो हमें अभी रिवर्स एंट्री करनी है, तो हमारे एंट्री में बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और नोटिंग चार्जेस उसमें 50 रुपीज़ ऐड करना है, 15,050। ओके, यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी, डिस्काउंटेड बिल अगर अगर डिसऑनर होता है लेकिन बिल डिस्काउंटेड किया था वाई के बुक में तो एंट्री नहीं हुई थी, इसलिए इसी एंट्री को हमें रिवर्स करना होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 15,000 15,000। यहाँ पे सेकंड कंडीशन कंप्लीट हो गई। अभी यही बिल जेड को एंडोर्स किया है, ओके थर्ड कंडीशन में, तो पहले तो वही एंट्री पास होगी ना, यहाँ पे बाय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे एंट्री आएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ओके। उसके बाद बिल निकाला था, एंट्री पास हो गई थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। उसके बाद ये जो बिल है ये बिल जेड को एंडोर्स किया है, जेड को अगर एंडोर्स करते हैं तो जेड इज द रिसीवर और बिल्स गोज आउट बिल्स रिसीवेबल, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 15,000 15,000। अगर जेड को बिल एंडोर्स हो रहा है तो ड्रॉवर जेड को बिल एंडोर्स करेगा, ड्रॉवी के बुक में इसकी एंट्री पास नहीं होगी। जो बिल हमने एंडोर्स किया था वो अभी क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। अगर बिल हमने एंडोर्स किया था, देखो यहाँ पे बिल ड्रॉ किया, यहाँ पे एंडोर्स किया मतलब बिल्स रिसीवेबल टू वाई हो गया, यहाँ पे बिल एंडोर्स किया है, फिर से बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, हमारी एंट्री पास होगी
जेड अकाउंट डेबिट टू वाई 15,000, हमारी एंट्री पास हो जाएगी, रिवर्स एंट्री होगी ना यहाँ पे। यहाँ पे अगर वाई को क्रेडिट है तो हमारे एंट्री में वाई को डेबिट आना चाहिए, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, और अमाउंट आएगी 15,050, 15,050। और यहाँ पे एंट्री अगर बिल डिसऑनर होता है तो यहाँ पे एंट्री यही आएगी, क्योंकि यहाँ पे एंट्री कुछ नहीं हुई थी एंडोर्स के टाइम, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स 15,000, 15,000। मतलब ड्रॉवी के बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री आती नहीं है, और एंडोर्स जब बिल होता है उसकी भी एंट्री पास नहीं होती।